नागपुर के अधिवक्ता सतीश उइके और उसके सहयोगियों पर भूमाफिया मामले में मकोका एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसके विषय में जानकारी दी पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने। दरअसल यह मामला मौजा बाबुलखेड़ा इलाके में नागपुर सुदान न्यास एनआरटी के स्वामित्व वाली 4100 वर्ग मीटर जमीन पर कथित रूप से अवैध कब्जा करने से संबंधित है। पुलिस ने कहा है कि एनआईटी के प्रभागीय अधिकारी पंकज रमेश पाटिल की ओर से 5 जनवरी 2023 को दी गई शिकायत के बाद उके और अन्य पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में मामला दर्ज किया गया है, जहां साजिश रचते हुए नकली दस्तावेजों के माध्यम से करोड़ों की जमीन पर उके और उसके सहयोगियों ने अवैध कब्जा किया, जिसके चलते संबंधित सभी आरोपियों पर मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं तो इस मामले में मृत अपराधी के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है, ऐसी जानकारी पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने दी है। सतीश उके के विरुद्ध एक एनआईटी के जमीन की फसवणूक की फिरियाद रजिस्टर हुई थी एनआईटी के अधिकारी के फिरियाद के ऊपर से। उस गुने में इसकी आरोपी की जो पार्श्वभूमि है, पिछली क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसको देखते हुए उसमें MCOC एक्ट अप्लाई होता है ऐसा दिखा गया, जिसके वजह से एडिशनल CP क्राइम यानचे इनके मान्यता से, इनके अप्रूवल से MCOC इस केस में लगाई गई है, इन्वेस्टिगेशन शुरू है। बराबर है, जो गुनाह हुआ था उस गुनाह में वो लोग सभी आरोपी शामिल थे और वो उसकी मृत्यु उस घटने को इल्जाम देने के बाद उसकी मृत्यु हुई, ये सही बात है, लेकिन उसमें वो आरोपी है इसलिए MCOC उनके ऊपर भी अप्लाई होता है, उसके विरुद्ध एबिटेड समरी इन्वेस्टिगेशन में जाता है, ये प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत काम की। ये घटना जो जिस समय हुआ था वो 2000-2001 के समय का ये घटनाक्रम है, उस समय वो इस प्रकरण में आरोपी था, इसलिए वो जो FIR NIT के अधिकारी ने दिया था तो उसके विरुद्ध भी ये FIR दाखिल हुई थी। अब वो चूंकि उसकी डेथ हो गई है तो इसमें एबिटेड समरी जाएगा, यही प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत काम। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।